नमस्कार दोस्तों, YouTube चैनल जॉब अलर्ट में आपका स्वागत है। दोस्तों आज मैं लेकर आया हूँ आपके लिए कॉमन एरर का टॉपिक, कॉमन एरर पार्ट फर्स्ट, जो आपके दोस्तों होने वाली एयरफोर्स और नेवी का जो एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो चलिए दोस्तों बिना किसी देरी के साथ शुरू करते हैं आज का अपना ये सेशन। दोस्तों पहला क्वेश्चन मैंने लिया है, थोड़ा पढ़ाने का तरीका दोस्तों मेरा थोड़ा अलग रहेगा, लेकिन समझना आपको समझ में ज़रूर आएगा, ये मेरा आपसे वादा है। दोस्तों पहला क्वेश्चन है अपना माई फ्रेंड, कॉमन एरर है। दोस्तों कॉमन एरर में क्या होता है दोस्तों, अपन को चार या पांच पार्ट दिए हुए होते हैं और उसमें से अपन एरर एरर मतलब दोस्तों अपन को गलत ढूंढना होता है। जैसे अपन को ये पार्ट दे दिया दोस्तों, ये पार्ट हो गया अपना पार्ट नंबर ए, ये हो गया बी, ये हो गया दोस्तों सी, ये डी, और फिर ये दोस्तों ई पोर्शन हो गया जिसमें है नो इरर। यदि पूरा सेंटेंस दोस्तों अपना सही है तो अपन को नो इरर पे क्लिक करना है या नो इरर का ऑप्शन चुनना है, जो ई ऑप्शन होगा या डी ऑप्शन भी हो सकता है, कोई सा भी ऑप्शन हो सकता है। और यदि आपको ए पार्ट में गलती लगी है तो ए चुनना है, बी पार्ट यदि आपका ग्रामेटिकल तरीके से गलत है तो बी चुनना है, सी डी जो भी पार्शन पोर्शन आपका गलत हो वो आपको आंसर के रूप में बताना होता है दोस्तों। तो पहला क्वेश्चन दोस्तों मैंने लिया है, माई फ्रेंड वर नॉट प्रजेंट देयर, माई फ्रेंड वर नॉट प्रजेंट देयर। तो दोस्तों आपने पढ़ा होगा कि यदि अपना जो सब्जेक्ट है, अपना जो सब्जेक्ट है दोस्तों, यदि अपना सब्जेक्ट दोस्तों सिंगुलर है तो जो वर्ब काम में लेते हैं दोस्तों वो भी अपन कौन सी वर्ब काम में लेते हैं दोस्तों, सिंगुलर वर्ब ही काम में लेते हैं वर्ब, यह जो हेल्पिंग वर्ब। तो दोस्तों माय फ्रेंड है यहाँ, मेरा फ्रेंड, माय फ्रेंड मेरा दोस्त, तो दोस्तों माय फ्रेंड के लिए यह वर्ब काम में नहीं आएगा। वर्ब की जगह क्या काम में लेंगे दोस्तों, वर्ब की जगह दोस्तों वाज काम में लेंगे, क्योंकि दोस्तों सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग होगा। वर्ब जो है वो प्लुरल वर्ब हो गई, इसलिए यहाँ पे वर्ब का उपयोग नहीं होगा। माय फ्रेंड के साथ में दोस्तों वाज का उपयोग होगा। तो दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी में गलती हो गई, तो ऑप्शन नंबर बी अपना राइट आंसर हो गया। चलते हैं दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, नाइदर यू और आई एम विलिंग टू डू इट, नाइदर यू और आई एम विलिंग टू डू इट। दोस्तों मैं पहले आपको क्वेश्चन बता रहा हूँ, उसके बाद में आपको रूल बता रहा हूँ, और जो रूल है दोस्तों उसका क्या करना, आपको नोट करते जाना, और जिससे आपको वो रूल याद हो जाएंगे, और कैसे अपन उसको ढूंढ रहे हैं, कैसे अपन रूल को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं वो आप यहाँ पे देख ही रहे हो। तो दोस्तों पहला ही शब्द आ गया अपने पास में नाइदर। तो दोस्तों नाइदर के साथ हमेशा दोस्तों ध्यान रखना, सबसे पहले तो इसमें यही ध्यान रखना है, जो नाइदर आता है दोस्तों नाइदर के साथ में दोस्तों नोर का प्रयोग होता है, नाइदर के साथ में दोस्तों हमेशा नोर का प्रयोग होता है। और एक होता है दोस्तों आइदर, ई आई टी एच ई आर, आइदर के साथ में दोस्तों और का प्रयोग होता है। तो यहाँ पर आ गया दोस्तों अपने पास में नाइदर, तो नाइदर के साथ में आगे है दोस्तों नाइदर, नाइदर यू और नहीं आएगा दोस्तों, यहाँ पे आएगा नोर। यहाँ पे क्या करना पड़ेगा दोस्तों, नोर करना पड़ेगा, सॉरी, नाइदर यू नोर आई एम विलिंग टू डू इट, नाइदर नोर। और दोस्तों एक चीज़ और ध्यान में रखनी है इसमें, यहाँ पे जो वर्ब काम में आती है दोस्तों वो हमेशा जो नज़दीक वाला सब्जेक्ट होता है उसके अनुसार काम में आती है, ना कि इसके अनुसार, क्लियर। इसका क्वेश्चन भी दोस्तों आगे आपको देखने को मिलेगा। क्वेश्चन नंबर तीन है दोस्तों अपना, ईच ऑफ द मैंगोज आर राइप, ईच ऑफ द मैंगोज आर राइप। छोटे छोटे सेंटेंस है दोस्तों, लेकिन जो रूल है उसका आपको खास तौर से ध्यान रखना है दोस्तों। यहाँ पे दोस्तों जो ये आर है, आर गलत है, आर की जगह दोस्तों यहाँ पे इज का प्रयोग होगा, सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा। क्यों प्रयोग होगा तो मैं आपको बताता हूँ, ध्यान में रखना दोस्तों, जब भी ईच ऑफ का प्रयोग हो रहा हो, ईच ऑफ का प्रयोग हो रहा हो या वन ऑफ का प्रयोग हो रहा हो, कौन कौन से शब्द है दोस्तों, ये ईच ऑफ, वन ऑफ, एवरी ऑफ, इन शब्दों से यदि दोस्तों, इन शब्दों का दोस्तों यदि प्रयोग हो रहा हो अपने पास में, तो इसके बाद में जो दोस्तों नाउन आता है, इसके बाद में दोस्तों जो नाउन आता है वो हमेशा प्लुरल नाउन होता है।
जो नाउन आता है वो हमेशा प्लुरल नाउन होता है, लेकिन जो वर्ब आती है दोस्तों वो हमेशा सिंगुलर होती है। ध्यान रखना दोस्तों, ईच ऑफ, एवरी ऑफ, वन ऑफ, इस प्रकार से कोई शब्द आता है अपने पास में तो इसके बाद में जो दोस्तों नाउन आता है वो हमेशा प्लुरल होता है, बहुवचन होता है, लेकिन जो वर्ब प्रयोग होती है दोस्तों वो हमेशा सिंगुलर काम में आती है। इसलिए दोस्तों यहाँ पे प्लुरल मैंगोज है, मैंगोज किया हुआ है, बहुवचन किया हुआ, प्लुरल किया हुआ, क्योंकि नाउन प्लुरल चाहिए लेकिन जो वर्ब है दोस्तों वो सिंगुलर चाहिए, इसलिए दोस्तों आर की जगह क्या आएगा, यहाँ पे इज का प्रयोग होगा। तो दोस्तों आपको यही ध्यान रखना है कि ईच ऑफ के बाद में हमेशा प्लुरल नाउन आता है और जो वर्ब आती है वो हमेशा सिंगुलर यूज में आती है। नेक्स्ट है दोस्तों अपना नाइदर, रजनी आ गया दोस्तों फिर से नाइदर, तो नाइदर के साथ नोर आना चाहिए। हाँ क्लियर है, नोर आया हुआ है तो ये तो दोस्तों सही हो गया अपना। आ गया दोस्तों नाइदर रजनी नोर रागिनी, नाइदर रजनी नोर रागिनी वर, वर गलत हो गया दोस्तों यहाँ पे। कैसे गलत हो गया दोस्तों, जब भी दोस्तों नाइदर नोर आइदर और नॉट ओनली बट आल्सो, नाइदर नोर अभी लिखा था दोस्तों मैंने, ये फिर से लिख देता हूँ मैं, नाइदर नोर आइदर और नॉट ओनली बट आल्सो, या दोस्तों आप ऐसे रखो जो नाइदर और नोर है, याद कैसे रखना है, नाइदर और नोर, नाइदर के साथ हमेशा नोर का प्रयोग होता है तो ये तो सही है, यहाँ पे तो कोई गलती नहीं है, लेकिन जो वर्ब है दोस्तों इसके अंदर गलती है, या वर्ण आके दोस्तों वाज आएगा, वाज क्यों आएगा दोस्तों, नाइदर और नोर का दोस्तों जब भी प्रयोग हो तो जो वर्ब आती है दोस्तों उसके पास में जो सब्जेक्ट होता है, पास में सब्जेक्ट कौन सा है, रागिनी, तो रागिनी सिंगुलर है तो वर्ब भी यहाँ पे सिंगुलर ही काम में आएगी। नाइदर नोर और आइदर और में जो वर्ब काम में आती है तो वो वर्ब उसके पास वाले सब्जेक्ट के अनुसार ही दोस्तों काम में आती है। अगला है दोस्तों अपना, योर फ्लैट इज सुपेरियर देन दैट ऑफ माइन इन ऑल रेस्पेक्ट्स, योर फ्लैट इज सुपेरियर, दोस्तों सुपेरियर जहां आया है दोस्तों, जो मीनिंग ऐसे मीनिंग दोस्तों जिनके लास्ट में आपको आई ओ आर लिखा मिले, क्या मिले दोस्तों, आई ओ आर, तो यहाँ पे हो गया दोस्तों आपका सुपेरियर, SUPRIOR सुपेरियर। तो दोस्तों इस सुपेरियर के साथ हमेशा दोस्तों जो प्रेपोजिशन काम में आती है वो टू प्रेपोजिशन का प्रयोग होता है, ना कि देन, तो यहाँ पे दोस्तों देन गलत है, देन के स्थान पर अपन को क्या काम में लेना है, टू का प्रयोग करना है, क्योंकि दोस्तों हमेशा सुपेरियर के साथ में हमेशा दोस्तों टू का प्रयोग होता है। सेम दोस्तों ऐसे यदि जूनियर शब्द आ जाए, आई ओ आर, मैंने कहा दोस्तों आई ओ आर वाले जूनियर शब्द आ जाए उसके बाद में भी दोस्तों प्रेपोजिशन टू का प्रयोग होगा दोस्तों। सेम इसी प्रकार दोस्तों सीनियर शब्द आ जाए तो उसमें भी दोस्तों आई ओ आर आ गया, इसमें भी दोस्तों आपको टू का प्रयोग करना होगा। तो दोस्तों यहाँ पे देन की जगह क्या हो जाएगा दोस्तों, टू का प्रयोग हो जाएगा, क्योंकि सुपेरियर, जूनियर, सीनियर, प्रायर, इन शब्दों के साथ में दोस्तों हमेशा वर्ब प्रेपोजिशन टू का प्रयोग होता है। अगला है दोस्तों अपना, हिज कार इज मोर बिगर देन दैट ऑफ एनी ऑफ अस, हिज कार इज मोर बिगर देन दैट ऑफ एनी ऑफ अस, यहाँ दोस्तों ध्यान से देखना आ रहा है मोर बिगर देन, दोस्तों जो डिग्री होती है अपनी, डिग्री पॉजिटिव डिग्री, कंपेरेटिव डिग्री और दोस्तों सुपरेटिव डिग्री, तो दोस्तों जो मोर लगता है वो दोस्तों कंपेरेटिव डिग्री में मोर लगता है, कंपेरेटिव डिग्री में मोर लगता है, लेकिन दोस्तों या जो बिगर है और दोस्तों कंपेरेटिव डिग्री में लास्ट में देन का प्रयोग होता है, सही है ये तो, लेकिन दोस्तों जो बिगर है, बिगर का क्या हुआ दोस्तों, बिग बिग है, बिग दोस्तों पॉजिटिव डिग्री है, फिर दोस्तों इसका इन्होंने बिगर बना दिया, ये हो गई दोस्तों कंपेरेटिव डिग्री, और दोस्तों इसका इन्होंने बिगेस्ट बना दिया, ये हो गई दोस्तों इसकी सुपरेटिव डिग्री, तो इस हिसाब से दोस्तों इसकी जो कंपेरेटिव डिग्री है वो बिगर बनती है, ना कि मोर बिगर, तो यहाँ पे दोस्तों जो मोर है उसका प्रयोग दोस्तों अनावश्यक हो गया या मोर नहीं आएगा, तो मोर लगा के दोस्तों अपन पॉजिटिव डिग्री के अपन मोर लगा के कंपेरेटिव डिग्री बनाते हैं और मोस्ट लगा के सुपरलेटिव डिग्री बनाते हैं, तो इस हिसाब से दोस्तों ये बिगर तो जो खुद ये जो बिगर है दोस्तों ये
ये तो खुद दोस्तों कंपेरेटिव डिग्री है, या इसलिए दोस्तों यहाँ पे जो मोर है इसका प्रयोग दोस्तों अनावश्यक हो गया, फालतू का हो गया, तो यहाँ से मोर आपको हटा देना है। चलते हैं दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है अपना, वन ऑफ माई अंकल इज ए डॉक्टर इन अमेरिका। वन ऑफ माई अंकल इज ए डॉक्टर इन अमेरिका। दोस्तों मैंने कहा था आपको वन ऑफ ईच ऑफ, वन ऑफ ईच ऑफ एवरी ऑफ, वन ऑफ ईच ऑफ एवरी ऑफ, ये सब दोस्तों जहाँ आ रहे हैं तो इसके आगे दोस्तों हमेशा जो नाउन आएगा वो हमेशा दोस्तों प्लुरल नाउन का यूज होगा। तो क्या होगा दोस्तों, वह हमेशा प्लुरल नाउन का यूज होगा। तो जो माई अंकल है, माई अंकल ना के माई अंकल्स आएगा, तो अंकल के जगह दोस्तों अंकल्स करना पड़ेगा अपन को, कि बहुवचन लगाना पड़ेगा अपन को। वन ऑफ है इसकी वजह से जो नाउन आएगा यहाँ वो दोस्तों प्लुरल नाउन आएगा, और जो वर्ब आएगी दोस्तों वो हमेशा सिंगुलर आएगी। अभी अभी आप अपन ने पढ़ा था कि वन ऑफ, ईच ऑफ, एवरी ऑफ के बाद में जो नाउन आता है वो प्लुरल आता है, और जो वर्ब आती है दोस्तों वो सिंगुलर आती है। तो इज दोस्तों वर्ब है, वो तो सिंगुलर ही है, लेकिन जो अंकल है वो सिंगुलर है, इसको प्लुरल बनाना है दोस्तों। तो यहाँ क्या करेंगे दोस्तों, इसको अपन अंकल्स करना पड़ेगा, एस लगाना पड़ेगा, इसको बहुवचन बनाना पड़ेगा। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। अगला क्वेश्चन अपना, यस्टरडे आई मेट एन ओल्ड फ्रेंड व्हेन आई एम गोइंग टू द मार्केट। सॉरी, यस्टरडे आई मेट एन ओल्ड फ्रेंड व्हेन आई एम गोइंग टू द मार्केट। यस्टरडे से दोस्तों सेंटेंस शुरू हुआ, मतलब बीते हुए कल की बात कर रहा है, मतलब जो सेंटेंस है दोस्तों अपना वो पास्ट में चल रहा है। सेंटेंस किस में चल रहा है अपना, पास्ट में चल रहा है। तो आई मेट ठीक है, एन ओल्ड फ्रेंड व्हेन आई एम दोस्तों यह गलत हो गया, आई के साथ में दोस्तों यहाँ पे अपन को वाज लगाना पड़ेगा, आई वाज, क्योंकि दोस्तों एम जो है वो प्रेजेंट टेंस का सूचक है, तो पास्ट टेंस में दोस्तों अपन को यहाँ पे वाज का प्रयोग करना पड़ेगा। अगला है दोस्तों अपना, ही इज़ वेल नोन फॉर बोथ हीज काइंडनेस एज वेल एज इज अंडरस्टैंडिंग। तो दोस्तों यहाँ पे अपने देखा बोथ का प्रयोग हो रहा है, यहाँ पे एज वेल एज का प्रयोग हो रहा है, तो यही गलती है दोस्तों, यही मिस्टेक है, यही इरर है। बोथ के साथ में हमेशा दोस्तों एंड का प्रयोग होता है, बोथ के साथ में हमेशा एंड का प्रयोग होता है, बोथ एंड। तो यहाँ पे एज वेल एज ना के दोस्तों एज वेल एज की जगह क्या आएगा दोस्तों, एंड का प्रयोग होगा, बोथ के साथ हमेशा दोस्तों एंड का प्रयोग ही अपन को करना है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों अपना, नाइदर राकेश नोर आई आर लिविंग फॉर दिल्ली। नाइदर राकेश नोर, नाइदर के साथ में दोस्तों मैंने कहा था नोर का प्रयोग होगा, तो सही है ये बात, तो नाइदर के साथ में नोर का ही प्रयोग हो रहा है, लेकिन जो वर्ब काम में आएगी दोस्तों वो हमेशा इसके पास वाले, नज़दीक वाले सब्जेक्ट के अनुसार में काम में आएगी। तो यार नज़दीक वाला सब्जेक्ट है दोस्तों आई, और सेंटेंस है अपना प्रेजेंट टेंस में, तो आई के साथ में दोस्तों क्या काम में आएगा, यहाँ पे आई एम काम में आएगा, तो आर की जगह दोस्तों आपको एम करना पड़ेगा। तो ये हो गया दोस्तों अपना क्लियर। तो दोस्तों इसमें आपको ध्यान में रखने वाली बात ये है दोस्तों कि अपन ने पढ़ा कि सबसे पहले तो अपन को ये ध्यान रखना है, नाइदर के साथ दोस्तों नोर का प्रयोग करना है अपन को, आइदर के साथ में दोस्तों अपन को और का प्रयोग करना है, और दोस्तों इनमें जो वर्ब काम में लेंगे अपन, इनमें जो वर्ब लगाएंगे वो इसके नज़दीक वाले सब्जेक्ट के अनुसार लगाएंगे। नाइदर नोर, आइदर और, इनमें जो वर्ब लगाएंगे वो नज़दीक वाले सब्जेक्ट के अनुसार काम में लेंगे। किसके अनुसार काम में लेंगे दोस्तों, जो नज़दीक का सब्जेक्ट होगा उसके अनुसार दोस्तों अपन वर्ब काम में लेंगे। दूसरा रूल दोस्तों अपन ने पढ़ा कि जो वन ऑफ है, ईच ऑफ है, एवरी ऑफ है, इनके साथ दोस्तों जो नाउन काम में आए, इनके बाद में जो नाउन आएगा वो दोस्तों हमेशा प्लुरल नाउन आएगा, और जो वर्ब आएगी दोस्तों वो हमेशा सिंगुलर वर्ब का यूज होगा। वन ऑफ, ईच ऑफ, एवरी ऑफ के बाद में दोस्तों जो नाउन आएगा वो प्लुरल आएगा, और जो वर्ब आएगी दोस्तों वो सिंगुलर आएगी। तीसरा दोस्तों अपने पढ़ा कि जो ये आई ओ आर वाले हैं, जैसे सुपेरियर हो गया अपना, सुपेरियर हो गया, प्रायर हो गया, जूनियर हो गया, सीनियर हो गया, जिसके अंदर दोस्तों आई ओ आर हो, तो इनके साथ में दोस्तों हमेशा
टू का प्रयोग होता है, सुपेरियर, प्रायर, जूनियर, सीनियर, इनके अलावा जो भी वर्ड है जिनके बाद में आई यू आर आता है उनके साथ दोस्तों अपन टू का प्रयोग करते हैं। और दोस्तों एक अपने पढ़ा मोर बिगर देन, मोर बिगर देन, तो दोस्तों ये डबल कंपेरेटिव डिग्री हो गई, यहाँ भी कंपेरेटिव बना दिया आई आर ई आर लगा के और मोर लगा के भी कंपेरेटिव बना दिया, तो दो गलत हो गया, तो ये मोर अपन को हटाना होगा, सिर्फ बिगर ही अपन को काम में लेना होगा। तो दोस्तों इस हिसाब से मैंने आज दोस्तों आपको कॉमन एरर के दोस्तों 10 क्वेश्चन लिए थे और उनको रूल से ही दोस्तों आपको समझाने की कोशिश की है। दोस्तों इस वीडियो की यदि आपको पीडीएफ चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर इस वीडियो की पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो। और दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा एंड अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और हमें कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियो कैसे लग रहे हैं और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स टू वॉचिंग वीडियो, ऑल द बेस्ट।